हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ा सा मस्ती वाली होने वाली है, क्योंकि हम लोग बाहर मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का बहुत चढ़ा हुआ है अभी, तो हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। और मैं और माही हम दोनों जा रहे हैं सोमयन। सोमयन यहाँ पे एक तरीके से डाउन टाउन है हमारा बुसान का, तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कपड़े मिलते हैं, इसलिए मैं वहीं पर जाने वाली हूँ। और फिर मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे कपड़े कैसे कैसे फैशन के हैं, ताकि आप भी देख सको और कितने कितने प्राइजेस हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ प्राइजेस मैं अपनी दिखा दूँ कि कितने कितने प्राइजेस पर चलता है। और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है, तो मुझे फटाफट जाना है। ठीक है, चलते हैं। तो जूते मैंने पहन लिए, बैग भी मैंने अपना ले लिया है, तो बस यहाँ पे कार्ड लेके और चलते हैं बाहर। चलो तो आउटफिट चेक के लिए मेरे पास यही जगह मिली है जैसे तैसे, क्योंकि मैं अपना जैसे कि पता ही होगा स्टैंड लाना भूल चुकी हूँ। तो एक पर्पल कलर का टॉप, क्योंकि आज हम BTS आर्मी बन के घूमेंगे, पर्पल टॉप प्लस एक जीन्स, काई जीन्स आई रहा जीन्स, और मेरा प्यारा सा बैग। कार्ड टैप करके बाहर जाने पड़ता है। मौसम अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, लेकिन ज़्यादा कोई ठंड नहीं है। मुझे माई को मिलने जाना है जो कि उधर वाली बिल्डिंग है, तो वहाँ जाते हैं। मैं सही बता रही, मेरा जीवन ऐसा ख़राब चल रहा है ना फिलहाल, मुझे ना अच्छी बात हो तो यहीं पर याद आ गया कि मैं अपना बैंक कार्ड घर पे भूल के आई हूँ, क्योंकि कल मुझे बैंक का कुछ काम था, तो वहाँ पे मैं अपनी पासबुक, बैंक कार्ड और अपना आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ लेके गई थी। तो मैं वो वहीं पर उसी बैग में भूल के आ चुकी हूँ, ये वाला बैग उठा के ला चुकी, जिसमें कुछ भी नहीं है पैसा देने के लिए। किसको पैसे कहाँ से दूँगी, तो वापस जाना पड़ेगा फिर से। वापस आई हूँ मैं सिर्फ इन चीज़ों को लेने के लिए, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका लगता है। चलो जल्दी भाई, मेरे इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों हो रहा है, मैं एक शॉपिंग करने क्यों नहीं जा पा रही हूँ। मैं आई थी कार्ड लेने और अपना जो मेरे रूम का कार्ड है वो कार्ड के मतलब कमरे के अंदर ही रख के बाहर आ गई खुद, और अब मेरे को अब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना होगा तो कार्ड की ज़रूरत है। आज मेरा मुहूर्त ख़राब तो नहीं निकाल निकल लेगा सही में। अब मैं नीचे जाती हूँ, वहाँ पे मतलब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ जाके बोलती हूँ कि मेरे पास कार्ड नहीं है, तो वो खोल के देंगे। फिर अच्छी बात है पहली बार है, अगर ये 2-3 बार होता तो माइनस पॉइंट कर देते। अब मैं उसकी वीडियो तो नहीं बनाने वाली कि मैं नीचे जाके उनसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरा गेट खोल दो। मिल गया मुझे मेरा कार्ड, ये वाला ना, ये मास्टर कार्ड होता है, इसी से सब कुछ अलग तरीके से खुलता है। ये मेरा कार्ड अंदर पड़ा हुआ था तब से, पागल कहेगा फोन भी रखा है। I don't know, अगर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि अगर मैं इस बस ड्राइव के बाद भी जिंदा रही तो मेरा ना बदल देना। ये इंसान ऐसे पागलों की तरह बस चला रहा है ना, मैं सही बता रही हूँ। मेरा फोन का बैलेंस बिगड़ रहा है, अगर मैं गिरी या फिर मैं यहाँ पर कूद के खिड़की के बाहर गिर गई तो ये पगला गया, ये खाली बस देख के पगला गया। इसको मन कर रहा है इसको प्लेन बना के उड़ाएगा आज, मैं सही बता रही हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या पहनूं। मे बी ये तो नहीं, ये लुक्स गुड बट इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, देखते हैं। आई लाइक दिस, अच्छी है बट मेरे स्टाइल नहीं है। तो ये वाला मैंने डिसाइड किया लेने का ईगो, बिकॉज इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी लग रही है ये, मेरा बिल्कुल दिल आ गया। भले ही साफ कपड़ा है ये, बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, लेकिन कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे मैं आपको कोरियन तरीके का जो वहाँ पे जो फैशन है उसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और सामने ये कपल नहीं है, ये लड़की लड़की चल रही है। पहले मुझे भी धोखा लग रहा था लेकिन बाद में मुझे पता चल गया ड्रेस देख के। तो यहाँ पे आप फैशन देख सकते हो, बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो आप भी आना और यहाँ पर विजिट करना। तो शॉपिंग करके ख़त्म हो चुका है, यहाँ से मैं वापस जा रही हूँ। जैसे मैं वापस रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि मैं वापस जा रही हूँ अपनी डॉर्मेट्री। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं मेट्रो में हूँ, आई मैं बस से थी, जहाँ मैं मेट्रो से रही हूँ। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जो मैंने कम सामान लिया है वो मैं अपने रूम में जाके आपको दिखाने वाली हूँ, तो वेट करो उसके लिए। ओके तो शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं, इतनी सारी शॉपिंग करके मैं वापस आ चुकी हूँ। अभी मैं अपनी फटाफट ना रूम पे जाके आपको दिखाने वाली हूँ क्या क्या लिया है, क्योंकि मैंने सब कुछ नहीं दिखा पाया वीडियो में क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और तुम्हें जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। तो और प्लीज़ से अगल बगल लोग होते हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए मैंने सब कुछ नहीं दिखाया। लेकिन मैं यहाँ पर अंदर रूम में जाके सब कुछ दिखाने वाली हूँ। चलता है, थक गया यार, बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया। तो फाइनली घर पे आ चुके हैं। भाई मेरे तो हालत खराब हो जाती है, मैं तो भी शॉपिंग करने जाऊँ ना ज़्यादा देर नहीं टिकती मुझसे शॉपिंग, 1 घंटा काफ़ी होती है। लेकिन मेरे को कितनी देर से लगी हूँ, मैं 2 बजे से गए हम लोग और आए कितने बज गए अभी, कितने, अच्छा घड़ी हाथ में पहन तो रखी है 7:20। तो बहुत ही टाइम हो चुका है, मतलब वह थक गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मेरा वहाँ पे बाद में खाना खाने का प्लान था लेकिन इतना ज़्यादा थकावट हो गई ना, कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके मैं चीज़ें दिखा रही हूँ। अब इसके प्राइसेस मुझे अभी याद नहीं है, मैं बाद में इसके बिल देख के ना बता, मतलब स्क्रीन पर दिखा दूँगी आपको कितने का है कितने का नहीं है। तो कैमरा एंगल चेंज करके मैंने जैसे तैसे फिट करा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अभी, इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना कि मुझे कुछ ढूंढने में नहीं आ रहा कि कहाँ पर मैं कौन सा कैमरा एंगल ढूंढूँ, ये टेढ़ा है कि मेढ़ा है मुझे नहीं पता, सेट कर दूँ बस थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिया एक ये ड्रेस जो कि आपको मैंने वीडियो में भी दिखा दिया होगा, ये कितनी प्यारी ड्रेस है भाई, ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है, पूरी दिख रही होगी वैसे तो नीचे तक ऐसे, और एक प्यारी सी ड्रेस, ये मुझे बहुत पसंद आई। और इसके ऊपर क्योंकि अगर ठंड लगेगी तो सिर्फ यही है, तो इसके ऊपर ये जैकेट है वाइट कलर की जिसमें ये नीचे ऐसे प्यार ऐसे ही है। तो मुझे वाइट कलर की, मुझे पता है कि बहुत जल्दी गंदी होने वाली बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जीन्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हद ही ज़्यादा पसंद आया ये जीन्स, क्योंकि यहाँ पे ना लोग ऐसे जीन्स पहनते हैं, मेरी मम्मी मुझे डांटने वाली कि फटे हुए कपड़े के तुम पहन रही हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोग पहनते हैं तो मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करके देखूँ, तो इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, और फिर है एक ये जो कि आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, सिर्फ नेट का, ये एक तरीके से मतलब शर्ट का ऊपर डालने का, लेकिन ये अकेले नहीं डालता है, इसके अंदर हम एक ये पहनेंगे और फिर ये पहनेंगे और ये पहनेंगे, क्या मस्त लगेगा ये। इसके प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे कि कितने कितने हैं। और दूसरा मैंने लिया है एक ये टॉप का, ये टॉप भी मुझे बहुत पसंद आया है। इसका आपको भी पता है यहाँ पे ढंग से डिज़ाइन पता नहीं चल रहा होगा, ये कैसे है कैसे नहीं पता नहीं पता चल रहा, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैंने एक ये भी लिया है। और लिया है मैंने अपने शूज़, क्योंकि मेरे पास वाइट शूज़ नहीं थे तो मुझे वाइट शूज़ लेने थे तो मैंने वाइट शूज़ ले लिए, इतने मस्त लग रहे हैं मुझे ये, मुझे जल्दी जल्दी पहनने का मन कर रहा है। हाँ तो मैंने सिर्फ इतना ही लिया है। तो आप बताना वीडियो कैसे लग रही है, कपड़े ज़रूर बताना कि कपड़े कैसे लग रहे हैं, मैं इसको फ़ोन पहनने के बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट पक्का करने वाली हूँ। तो आप बताना वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आप कोरियो के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।